अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एवरीथिंग इजी चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कल सऊदी वजारत दाखिलिया ने सऊदी अरब में और सऊदी अरब आने वालों के लिए जितने भी सफरी पाबंदी या जितने भी एहतियाती तदाबीर थे कोरोना के मुतालिक वो खत्म की है। लेकिन दोस्तों उसके मुतालिक आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें सऊदी वजारत दाखिलिया ने वैक्सीन के मुतालिक बताया। सबसे पहले आप लोग सऊदी वजारत दाखिलिया की तर्जुमान का ये मुख्तसर सा वीडियो क्लिप देखे, बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। نؤكد على دخول المقيمين المملكة بغض النظر عن حالة التحصين الخاصة بهم. نؤكد على دخول المقيمين المملكة بغض النظر عن حالة التحصين الخاصة بهم. दोस्तों ये छोटा सा क्लिप है। सऊदी वजारत दाखिलिया के तर्जुमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बेहद नजर अन हालत तहसीन मुकीमिन, यानी दोस्तों सऊदी अरब आने वाले जितने भी गैर मुल्की है उसके वैक्सीन के मुतालिक उसको सऊदी अरब आने दिया जाएगा। मतलब दोस्तों अभी तो हजर मुसस्सी खत्म हो चुका है, क्वारंटीना खत्म हो चुका है, PCR खत्म हो चुका है, अब भी ये तहसीन वाला क्या मामला है। तो दोस्तों अभी भी सऊदी अरब आने के लिए आपका वैक्सीन जरूरी है, उसका सर्टिफिकेट जरूरी है, वैक्सीन आपको रजिस्टर करना होगा और अगर बाद में किसी दोस्त का मसला आ जाता है तो सऊदी अरब के अंदर से भी अपना वैक्सीन सऊदी वजारत सेहत के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों कुदूम में रजिस्ट्रेशन भी फिलहाल बरकरार है, जो दोस्त आ रहे हैं वो कुदूम में रजिस्ट्रेशन करके आए। बाकी PCR की कोई जरूरत नहीं है, न हजर मुसस्सी क्वारंटीना का जरूरत है, लेकिन आप लोगों ने वैक्सीन का खास ख्याल रखना है। अगर आपने वैक्सीन नहीं किया तो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। वैसे दोस्तों आजकल सब लोग जो है वो वैक्सीनेटेड है, सबने अगर तीसरा डोज नहीं किया तो दोस्तों बहुत से लोगों ने की है और स्पेशली जो लोग सऊदी अरब आ रहे हैं वो तो ऑलरेडी बूस्टर डोज भी कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों इसके मुताबिक आज सऊदी वजारत दाखिलिया ने बताया कि हम बाज़ा नजर अन हालत तहसीन को देखेंगे, यानी दोस्तों जो इसमें मेन शर्त है वो है तहसीन, यानी आप इम्यून हो। बाकी दोस्तों क्वारंटीना भी खत्म हो चुका है, PCR भी खत्म हो चुका है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।